हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज इंडिया। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा ट्रेलर लेकर आए हैं आज, जिसका नाम है नमस्ते इंग्लैंड, नमस्ते लंदन। जो इसका फर्स्ट पार्ट बोल रहे हैं उसको, वो हमारी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी रही है। और उसके जो डायलॉग था ना, एक वो वाला डायलॉग, मतलब डायलॉग में सिंबल डायलॉग बोल सकते हैं, वो वाला जो हाँ वो जो इंडिया का बताता है, इंडिया के बारे में अक्षय कुमार यूके वालों का मुंह बंद कर देता और है। रग्बी मैच का सिंबल डायलॉग याद है तुझे? हाँ। रग्बी मैच में वो उसको गाली देता है तो वो डबल उंगलियों से करता है गोरो की। तो देखते हैं भाई, यार मैं बहुत एक्साइटेड यार, इसमें भी वैसा कुछ हो देशभक्ति वाला तो मजे तो आ जाए। मजे आएंगे यार। सो हियर वी गो। यहाँ पर तो दोनों ही इंडिया में। लाला जी 2 घंटे में आ रहे हैं, तब तक अपनी सेटिंग कर लो। जसमीत जी, हमारे इश्क की इनॉग्रेशन की जाए। बहुत तेज़। मेरे को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो आप जसमीत को भेज देते तो। दादा जी गले ना मिलाकर तुझे पता नहीं मेरे दिल में कैसे 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 ख्याल आते हैं। इसके अंदर की तो जादुई शक्तियाँ जाग गई है, आज तू अपनी सारी शक्तियाँ गवा देगा। भी नहीं किया तुमने? शादी के 1.5 साल होते ही ब्रश करने के बाद चालू, हाँ 3 साल होते नहाने के बाद शुरू कर दो। तुझे पता है ना, यहाँ लड़कियों को कुछ करने की आजादी नहीं है। तुम लड़कियों का समझ में नहीं आता मुझे। लड़कियों का समझ नहीं आता क्योंकि लड़कियों को समझा नहीं जाता। जसमीत, हम कहाँ रहते उससे फर्क नहीं पड़ता, हम किसके साथ रहते और वो हमें कितना प्यार करता है फर्क इससे पड़ता है। तुम मुझे मेरी आजादी यहीं दिला दो, नहीं जाती। कोई समझे ना समझे, तुम जरूर समझोगे कि मैं लंदन क्यों चली गई। लंदन जाना है, लीगल इलीगल सब चलेगा। पहली बार एक बीवी का अफेयर किसी आदमी के साथ नहीं, एक शहर के साथ देखा है। सबकी नजरों में गिरकर इतनी दूर मैं यहाँ आई हूँ, अब मैं वापस नहीं जा सकती। परम तुम लोगों में से पंजाब की खुशबू आ रही है। अभी भी मैं तो यहाँ पे आके एक बार नहाया भी हूँ। बहुत करीब है परम, कल तक रुक जाओ। आज एक दूसरे के साथ बुरा करना ये सोच के कि इससे हमारा कल अच्छा होगा, इससे बड़ी बेवकूफी इस दुनिया में नहीं हो सकती जसमीत। आज के जमाने में प्यार शादी कोई वैल्यू ही नहीं है। दुनिया आज भी एक ही चीज पे कायम है, जिसकी वजह से दुनिया कायम है, प्यार। ये सॉन्ग तो बहुत ज्यादा हिट होने वाला है। आतिफ असलम का सॉन्ग तो यार तू कोई सा भी ले, ये बहुत ज्यादा हिट होने वाला है, मिलियंस में व्यू आने वाले हैं इस पे। क्योंकि आतिफ असलम की एक चीज मुझे अच्छी लगी इसमें, क्या कि नाम जो है दोनों का वही रखा है, नमस्ते। नमस्ते नहीं, जो नमस्ते लंदन में जो था अक्षय कुमार का जो नाम था वो इसमें वही रखा है, तो वो चीज मुझे काफी पसंद आई इसमें। दूसरी चीज, इन्होंने प्रोडक्शन हाउस का नाम ही नमस्ते प्रोडक्शन हाउस रख दिया। क्या बात कर रहा है, देखा नहीं तूने? देख, नहीं देखा मैंने, देख फिर से दिखा देता हूँ। हाँ यार, नमस्ते प्रोडक्शन लिमिटेड। क्या बात है, ये भी बहुत अच्छा करा। और ये मूवी ना मुझे यशराज की मूवीज की याद दिला रही, जो यशराज चोपड़ा जी आतिफ असलम वाला जो सॉन्ग है ना, मतलब पूरे वीडियो में उसी सॉन्ग को, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये इस मूवी की मेन जड़ रहने वाला है सॉन्ग। हाँ, ये मतलब पूरी फील, पूरा फील करा देगा आपको ये मूवी, और ये मूवी पर पूरा डेडिकेट होने वाला है मुझे लगता है, क्योंकि वो तेरे लिए, मतलब वर्ड जो है वो उसके लिए इतना स्ट्रगल करता है, वो इंग्लैंड जाता है विदाउट पासपोर्ट या वीजा, लग रहा है लेकिन इलीगल तरीके से जाता है, इलीगल तरीके से, और लग रहा है कि हाँ मूवी में दम रहने वाला है।
एक इमोशनल मूवी रहने वाली है। और मुझे लगता है एंड में ना वो पिघल जाएगी। वो तो होता ही है, वो पिघलेगी और ये सख्त हो जाएगा। सख्त लौंडा। हाँ, ये सख्त लौंडा बन जाएगा। सख्त लौंडा बन जाएगा। पर खैर वो सख्त ही है, लेकिन वो उसके लिए गया है लीगल इलीगल कोई भी तरीका उसने अपनाया, इलीगल तरीका अपनाया वहाँ पहुंचने के लिए, और वहाँ पहुंचा। और मेरे ख्याल से वहाँ जाके वो इलीगल तरीका अपनाया ना, तो उसमें शायद जेल वेल हो जाए या कुछ हो जाए एंड में, यही होगा। और इस तरह से फिर इंडिया की वापसी हो जाएगी। ट्रेलर में एक चीज और है कि कुछ ज्यादा कैरेक्टर देखने को नहीं मिले, सिर्फ ये दोनों ही थे। दोनों ही थे, मेन चीज ये थी कि ये दोनों ही पूरी मूवी को संभाल रहे थे। कहीं इसके साथ जब हेरीमेड सेजल वाली हिट ना हो जाए। कौन सी हिट उसमें? मतलब वो उस मूवी में भी वो दोनों ही थे ना, मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। हाँ यार, ये बात भी सही है, क्योंकि उस मूवी में भी कुछ था ही नहीं, सिर्फ वो दोनों ही, बस उनके दोनों की स्टोरी चलती और वो दोनों ही घूम रहे थे यूरोप, पूरा यूरोप घूम लिया उन्होंने। इसने ये लंदन घूम रहा है। तो यार ये थोड़ा सा ऐसा ना हो। और मतलब अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूँ तो नमस्ते लंदन जो थी वो थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। खैर ये मूवी भी रिलीज होने के बाद ही पता चला, इसके जो डायरेक्टर है वो बहुत पसंद भी है मुझे उनकी, मूवीज कमाल की होती है उनकी। हाँ यार, और वो जो नमस्ते लंदन थी ना, वो हमारी बहुत फेवरेट मूवी, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी, काफी बार देख भी हमने उस मूवी को, हजारों बार देखा है, तो मुझे तो याद भी नहीं कितनी बार देखा। हाँ, तो वो और उस टाइम कैटरीना कैफ भी नई नई थी, हमारी फेवरेट थी। एमा वाटसन के बाद वही थी जो विदेशी हमको बहुत अच्छी लगती थी। हाँ, और वो लंदन में उन्होंने रोल करा था तो काफी ज्यादा जच अच्छा रही थी, लग रही थी कि हाँ, क्योंकि वो है भी वहीं की, है भी वहीं की, और उनकी जो इंग्लिश टूटी फूटी वो हिंदी बोल रही थी उस पे बहुत मजा आ रहा था। मतलब पूरा रियल लग रहा था, उनका रोल जो था रियल लग रहा था, क्योंकि वो रियलिटी में। अजमेर शरीफ भी गई थी उस मूवी की शूटिंग में, शूटिंग के अंदर भी एक पाकिस्तानी सिंगर का सॉन्ग था, राहत फतेह अली खान जी का, मैं जहाँ रहा हूँ, वो सुपर डुपर हिट सॉन्ग था, आज भी सुनते हैं हम, हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आज भी आप जाओगे YouTube पे और मेरा कमेंट आपको मिल जाएगा कि I am still listening यार, this song in 2002। पाकिस्तान में म्यूजिक टैलेंट बहुत शानदार है यार, कंपोजिशन ले लो चाहे आप सिंगिंग ले लो, आतिफ असलम यार, इसीलिए तो इंडियन प्रोड्यूसर्स पाकिस्तानी सिंगर्स को हायर करते हैं। वो इंडिया में नहीं गवा सकते तो वो बाहर ही गवा रहे हैं। हाँ। लेकिन गवा रहे हैं भाई गाना हम इंडिया। और एक चीज इससे ये भी फायदा होता है कि पाकिस्तान में जब मूवी रिलीज हो तो लोगों का अटेंशन जाता है उस पे कि भाई इसमें आतिफ असलम का भी सॉन्ग है, चलो देख कर आते हैं। और दूसरी चीज ये कि दोनों देश की रिलेशनशिप अच्छी होती है, कि यार काम ट्रेडिंग होना चाहिए दोनों देश में, ट्रेडिंग होंगी ना तो थोड़े रिलेशनशिप अच्छे बने। जैसे चाइना से ट्रेडिंग करता है पाकिस्तान, तो ऐसा इंडिया से भी ट्रेडिंग करता है चाइना। हाँ। तो ऐसा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी ट्रेडिंग होगी ना, तो वो फायदा करेगी कहीं ना कहीं। करेक्ट। तो भाई यार मजा तो बहुत आया, और अंदाजन गैस किया हमने कि इमोशनल फैमिली मूवी देने वाली है। So, guess की और हर बार की तरह हम ये मूवी भी देखने जाएंगे, क्योंकि हमने डिसाइड किया है हम कोई भी मूवी नहीं छोड़ेंगे, ऑलमोस्ट सभी मूवी देखेंगे, क्योंकि फिर ये हो गया ना रेहान, तो फुल टाइम यूट्यूबर बनने वाला रेहान थोड़े दिनों में। हाँ। तो ज्यादा ज्यादा वीडियो आने वाले। सो गाइस कैसा लगा वीडियो बताना पड़ेगा आप लोगों को, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके और लाइक भी करके शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाना, नहीं दबाया तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना, बस। फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हो। हाँ यार, फेसबुक पेज लाइक कर देना यार, थोड़ा सा फॉलोअर्स चाहिए वहाँ पर, है ना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।